अस्सलाम वालेकुम, मैं समरा अरसलान वाओ किचन से। आज मैं आपको मैंगो डेजर्ट बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए एक क्रीम का पैकेट, वनीला एसेंस, चीनी, बिस्किट्स चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने मैरी बिस्किट्स लिए हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया है, उसको डेकोरेट करने के लिए। क्यूब से मुझे मैंगोज चाहिए और मैंगो बल्ब चाहिए। मैं आपको बताती हूँ इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम अपना मैंगो बल्ब ले लेंगे, जूसर में इसको सब डाल देंगे। चार चमचे चीनी लिया मैंने इतने से में, और क्रीम। मैंने थोड़ी सी बचा ली डेकोरेशन के लिए। अब इसके अंदर हम वन टी स्पून पहले वनीला एसेंस डाल दिया। करो अब हम इसको बीट कर लेंगे सबको। ये आप देख सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा मटेरियल गाढ़ा सा लग रहा है, तो इसमें मैं दो घूंट दूध डाल दूंगी इसको थोड़ा सा लीक पट्टी करने के लिए। ये दो घूंट दूध इसमें डाल दूंगी, अब हम इसको बीट करेंगे फिर से। ये देख सकते हैं, ये सारा अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। अब हम सबसे पहले अपने मैंगो, हमारे पास मैंगो थोड़े हैं, लेकिन क्योंकि मैंगो का सीज़न अब ख़त्म हो रहा है तो वैसे वाले मैंगो नहीं आ रहे, लेकिन क्यूब्स में मैंगो होंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। जब हमने थोड़े से मैंगो नीचे से किए ताकि इसका फ्लेवर आए, जब जम जाएगा तब बल्ब सारा इसमें ऐसे डाल देंगे। हाफ पल हमने ऐसे डाल दिया। इसके बाद हम अपने बिस्किट्स की तह लगाएंगे। पूरा अच्छी तरह उसको कवर कर देंगे। अब हम ये जो बाकी मैंगो हमने बचा लिए थे, ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपके मुंह में जब बाइट लेंगे तो आप उसकी बाइट्स में आएंगे तो अच्छे लगेंगे। मैंने 6 से 7 मैंगो लिए थे, 2 पैकेट मैरी बिस्किट्स, 1 पैकेट क्रीम, 4 से 5 चमचे चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 4 से 5 चमचे वो कह रहे दूध दे दिया। अब इसके ऊपर जो हमारा बाकी मटेरियल बचा था हम वो डाल देंगे, ये हम सब इसमें डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे इसके ऊपर कर दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप कितनी लेयर्स लगाना चाहते हैं, मैंने अपने मटेरियल के हिसाब से 2 लेयर्स में इसको कर दिया। अभी मैंने थोड़े से इसके डालने भी रखी है, अब इसको डेकोरेशन के लिए मैंने इसको सेंटर में इसको ऐसे डाल रही हूँ। आप जिस तरह की मर्जी चाहें डेकोरेशन कर सकते हैं। अब हम ये जो कलर लिया था हमने टिंकी क्यूज से, ये मैंने शार्लिक स्टिक से इसका स्टाइल बनाना चाह रही हूँ। आप चाहें जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। जो साइज सारी है मैं इसको बिस्किट से कवर कर दूंगी। तो
थोड़ा डेकोरेट किया है ताकि थोड़ा ऑरेंज कलर भी आ जाए। या फाइनल लुक देख लें मैंगो डेजर्ट की, मैंगो डिलाइट। या आप हेयर्स देख सकते हैं जो हमने लगाई, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं और अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह फ्रीज़र में फ्रीज कर लेंगे और जब पूरी तरह जम जाएगा तब हम इसको सर्व करेंगे। इससे ये होगा तो आपको बिल्कुल आइसक्रीम का टेस्ट आएगा। अगर आपको हमारी डिश पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।